क्लास में नहीं गुरु और भारत बनेगा विश्व गुरु। सवाल है कि क्या बगैर शिक्षकों के भारत विश्व गुरु बन सकता है? ये कमाल यहाँ के नेता ही कर सकते हैं कि बगैर स्कूलों के जो है विश्व गुरु भारत को बना दे, उनके झांसे में भारत के युवा ही आ सकते हैं। ऐसा ही एक मामला मध्य प्रदेश के बुरहानपुर से सामने आया है, जहाँ 8 स्कूलों में एक भी शिक्षक नहीं है। 37 स्कूल ऐसे हैं जो गेस्ट टीचरों के भरोसे चल रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि बच्चे कैसे पढ़े और कैसे आगे बढ़े? क्या भारत ऐसे विश्व गुरु बनेगा? देखिए एक खास रिपोर्ट। स्कूलों में नहीं है गुरु, भारत कैसे बनेगा विश्व गुरु? मध्य प्रदेश के स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी, अतिथि शिक्षकों के भरोसे चल रहे स्कूल। बुरहानपुर के 8 स्कूलों में नहीं एक भी शिक्षक, 37 स्कूल चल रहे अतिथि शिक्षकों के भरोसे। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी है। जिले के 8 स्कूल तो ऐसे हैं जहां एक भी शिक्षक नहीं है, वहीं कई स्कूल तो ऐसे हैं जो अतिथि शिक्षकों के भरोसे ही चल रहे हैं। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी के चलते बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। जिला शिक्षा अधिकारी की माने तो बच्चों की पढ़ाई प्रभावित ना हो, इसके लिए सभी आवश्यक कदम उठाए गए हैं। इसके लिए शासन के निर्देश अनुसार हमने ऐसे स्कूलों में अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था कर रखी है। जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि इस संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों और विभाग को भी अवगत कराते हुए मांग पत्र जारी कर दिया है। वहीं शिक्षकों की कमी की अगर बात की जाए तो 5 वर्षों से नए शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो पाई है, जिसके चलते यह समस्या बनी हुई है। 0 टीचर वाली 8 शालाएं हैं जहां पर शिक्षक नहीं है, और 37 स्कूल ऐसे हैं जहां पर एक एक शिक्षक है। और तो इन शालाओं में अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था कर दी गई है और शालाएं संचालित हो रही है। शिक्षकों की कमी का जैसे कुछ रिटायरमेंट हो गए हैं या फिर ट्रांसफ़र हो गए हैं, ट्रांसफ़र वालों को रिलीव किया गया है, तो उसके कारण से शिक्षकों की कमी हुई है और उसकी पूर्ति जन अपने अतिथि शिक्षकों द्वारा की गई है। लगभग पूरे प्रदेश के सरकारी स्कूलों के यही हालात हैं। केंद्र और राज्य सरकार शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चला रही है और बच्चों को स्कूल चलो अभियान के माध्यम से भी प्रेरित कर रही है। वहीं मध्य प्रदेश में 16,000 से अधिक स्कूल ऐसे हैं जहां पर एक स्कूल में सिर्फ एक ही शिक्षक नियुक्त है। वहीं अधिकतर स्कूल अतिथि शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं। जब बुरहानपुर में इसकी पड़ताल की गई तो पाया गया कि यहां पर 8 स्कूल ऐसे हैं जहां कोई शिक्षक नियुक्त नहीं है। वहीं 37 स्कूल ऐसे हैं जहां पर स्कूलों में प्रति स्कूल केवल एक ही शिक्षक नियुक्त है। इन शिक्षकों को बच्चों को पढ़ाना भी होता है और स्कूल का काम भी करना होता है। कई स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति ही नहीं है और स्कूल अतिथि शिक्षकों के भरोसे चल रहा है। वहीं बुरहानपुर जिले से लगभग 12 किलोमीटर दूर शाहपुर नगर परिषद स्थित है, जहां एक खेत में एक शासकीय उर्दू उच्चतर माध्यमिक विद्यालय स्थित है। यहां पर 9वीं से लेकर 12वीं तक छात्र पढ़ते हैं। इस स्कूल में शिक्षकों के 10 पद हैं, लेकिन यहां पर केवल एक ही शिक्षक नियुक्त है। वहीं विद्यालय में प्रधानाचार्य का पद भी खाली है। ऐसे में एक ही टीचर को प्रधानाचार्य का भी प्रभार दे रखा है। स्कूल का नाम शासकीय उर्दू उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शाहपुर है। यहाँ पर अभी वर्तमान में 10 संख्या है, 9वीं से 12वीं 55 बच्चे पढ़ते हैं। बच्चे और बच्चियों को एजुकेशन है और यहाँ पर प्राचार्य को मिलाकर कुल 11 पद जो हैं वो स्वीकृत हैं। इसमें से केवल एक पद जो उर्दू भाषा का है वो अभी कार्यरत है, बाकी अन्य पद जितने भी हैं प्राचार्य के और अन्य विषयों के वो सारे पद भी जो हैं तो वो रिक्त हैं और उन विषयों के विरुद्ध जो है अतिथि शिक्षक अभी फिलहाल में कार्य कर रहे हैं। बुरहानपुर से संवाददाता गोपाल देवकर की रिपोर्ट। चलिए तो बुरहानपुर से खबर हमने आपको बताई, आपने पूरा मामला सुना होगा कि जहां एक और सरकार जो है बच्चों को शिक्षा के लिए प्रेरित करती है, सर्व शिक्षा अभियान में इतने सारे पैसे खर्च करती है सरकार, वहीं बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षक ही यहां पर मौजूद नहीं है। काफ़ी ज़्यादा निराशा का भी विषय है और कई ज़्यादा सवाल भी पैदा करता है। इसी के साथ इस खबर पर बुरहानपुर से हमारे संवाददाता गोपाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं।
गोपाल, अभी हमने तस्वीरें देखी बुरहानपुर के स्कूलों की, यहाँ बच्चे तो आते हैं, स्कूल भी है, मगर शिक्षक नहीं है, क्या है पूरा मामला? जी, इसमें तो बता देना चाहूंगा कि जिस तरह से बुरहानपुर जिला शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी माना जाता था, लेकिन यहाँ पर देखा जा रहा है कि अब ऐसी 8 स्कूलें हैं जहाँ शिक्षक ही नहीं है और 37 स्कूलें ऐसी है जहाँ पर अतिथि शिक्षकों के भरोसे स्कूल चल रही है। बच्चे तो स्कूल आते हैं, लेकिन इन्हें जब शिक्षा ही नहीं मिलेगी तो आखिरकार किस तरह से आगे बढ़ेंगे, किस तरह से अपने जीवन को गढ़ेंगे, ये सबसे बड़ा प्रश्न उठता है। आखिरकार ये जो सरकार और मुख्यमंत्री जी इतना पैसा खर्च कर रहे हैं शिक्षा के ऊपर, लेकिन आखिरकार कहाँ जा रहा है और क्यों यहाँ पर शिक्षक नहीं पहुंच रहे स्कूलों में, ये देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल गोपाल, और देखा जाए तो यहाँ एक दो स्कूलों की बात नहीं हो रही, यहाँ 37 स्कूल ऐसे हैं जो अतिथि शिक्षक है। एक तरफ ये देखा जाए कि सरकार एक तरफ नौकरियां नहीं ला रही है, अतिथि शिक्षकों को भी नियुक्त नहीं किया जा रहा है और शिक्षकों को भी कमी है, तो कोई अधिकारी का ध्यान इस ओर आकर्षित नहीं हुआ कि इतनी ज्यादा स्कूलों की संख्या है, 8 स्कूलों में तो शिक्षक ही नहीं है, बच्चे क्या करते फिर यहाँ पे आके? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर जो आपने कही बात कि सरकार भी इतने पैसा खर्च कर रही है, सब कुछ कर रही है, अतिथि शिक्षक भी नहीं रख रही है, लेकिन कोई अधिकारी, जिस तरह से जिला शिक्षा अधिकारी का एमके न्यूज ने पहुंचकर ध्यान आकर्षित किया कि आखिरकार 37 स्कूलें ऐसी है जहां पर अतिथि शिक्षकों के भरोसे चल रहे हैं और 8 स्कूलें ऐसी है जहां पर शिक्षक ही नहीं है, तो आखिरकार इन नौ निहालों का क्या होगा? जिसके बाद इन्होंने कहा है कि इसे तुरंत ही यहाँ पर जो है नए सत्र के अंदर यहाँ पर क्षतिपूर्ति की जाएगी और यहाँ पर जो भी शिक्षक नहीं है इन स्कूलों में अब शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। जी, और नए सत्र की बात, तो हालांकि नए सत्र को तो बहुत समय, हाल में भी जो बच्चे चल रहे हैं, एग्जाम टाइम है सबका, तो उन बच्चों की पढ़ाई अब किस हालात में चल रही है, क्या उनकी पढ़ाई हो भी रही है या फिर बस एक नाम का यहाँ पे सब कुछ है? जी, कह सकते हैं कि जिस तरह से नौ निहाल स्कूल पहुंच रहे हैं और भगवान भरोसे यहाँ पर जो है उनकी शिक्षा चल रही है, कहीं ना कहीं स्कूल के ही यानी गांव के ग्रामीण क्षेत्र के ही जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वे उन्हें आकर के स्कूल में किस तरह से शिक्षा देकर चले जाते हैं, ये उनका एक सामर्थ्य होता है कि किस तरह से बच्चों को, यहाँ के बच्चों को पढ़ाई की जाए और इन्हें आगे बढ़ाया जाए। ये गाँव के कई ऐसे युवक है, युवतियां हैं जो इन्हें कहीं ना कहीं बच्चों को शिक्षा देकर के उन्हें आगे बढ़ाने का कार्य भी करते हैं। जी बिल्कुल गोपाल, हम तस्वीरों में भी देख सकते हैं बच्चे स्कूल में आते हैं, बच्चों में भी पढ़ने को लेकर उत्साह है, उमंग है, जोश है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि ये बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। अगर बात वो होती कि बच्चे नहीं आते तो अलग ही बात हो जाती, मगर तस्वीरों में साफ देखा जा रहा है कि बच्चे आ रहे हैं, अच्छी खासी संख्या में बच्चे यहाँ पर है, फिर भी जो है उनके भविष्य के साथ यहाँ पर खिलवाड़ किया जा रहा है। निश्चित तौर पर जिस तरह से नौ निहालों का भविष्य जो है अंधकार में हो रहा है, जिसे लेकर के जो संस्थाएं हैं या कोई ग्रामीण क्षेत्र के युवक युवती है वो तो उनकी तरफ ध्यान देने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन आखिरकार कब तक इस तरह का मामला चलेगा कि नौ निहाल अंधेरे में रहेंगे और वो अपने भविष्य को लेकर के हमेशा इंतजार करते रहेंगे, कौन शिक्षक हमें आएगा और कौन शिक्षक हमें पढ़ाएगा। इस तरह की बात जो है एमके न्यूज ने सबसे पहले यहाँ पर दिखाई है और इसके बाद देखना होगा कि प्रदेश भर में भी जो है करीब करीब 16,000 स्कूल ऐसी है जिसे हम मान सकते हैं कि यहाँ पर जो है शिक्षकों की कमी है। जी बिल्कुल गोपाल, और एमकेएन न्यूज भी प्राथमिकता से ऐसी खबरों को उजागर करता है ताकि ऐसी चीजें ना सामने आए और बच्चों का भविष्य जो है गर्त में जो है ना जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो खबर हमने आपको बुरहानपुर से बताई जहाँ शिक्षक तो है, जहाँ स्कूल तो है मगर शिक्षक नहीं, और काफी बड़ा ये मामला है। देखना खास ये होगा कि अब आगे क्या कार्रवाई की जाती है अधिकारियों के द्वारा।